तपेशियन और सीजी स्टार खबर 40 और हरिओम फिल्म से एक कार्यक्रम लेके आ रहे हैं हम हिंदुस्तानी। 8 अगस्त के उधर लाल बाग इन रिंग रोड में यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है आज़ादी की पूर्व संध्या से पहले। व्हाट कैन वी डू फॉर आवर कंट्री, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे साथ में ही बहुत ही टैलेंटेड बैडमिंटन, वॉलीबॉल और कथक की नृत्यांगना मेघावी छात्रा हैं दिव्यांशी शर्मा। दिव्यांशी, आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो सब बोलते हैं कि हम अपने देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ टॉपिक है अपने, तुम क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, ना कि किसी और को हम लोग को देखना है या किसी और को जज नहीं करना है, हमें अपने आप को जज करना है। जब हम अपने आप को जज करना सीख जाएंगे तो अपने आप ही देश बदल जाएगा। तो हमारा टॉपिक है व्हाट कैन वी डू फॉर आवर कंट्री, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप सब जानते हैं बहुत सक्रिय टॉपिक है ये, चाइल्ड अब्यूज़ एंड चाइल्ड लेबर। जैसा कि बोलते हैं चाइल्ड लेबर, 14 की जो एज रहती है, 14 की एज से जो कम बच्चे रहते हैं वो चाइल्ड लेबर के अंडर आते हैं। वैसे तो 18 है जॉब के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, लेकिन जो मेन अगर सबसे छोटे बच्चे बोले जाते हैं तो 14, अंडर 14 एज वालों को चाइल्ड लेबर। अप्रॉक्स हमारी कंट्री में 1,027,000 चाइल्ड लेबर्स हैं। अभी का जो हमारा टाइम है 1974 और ये अभी तक इतना टाइम हो गया, उसके बाद भी हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा चाइल्ड लेबर की पॉपुलेशन है। जैसा कि जिसमें से 50% हमारे सेंटर है जो दिल्ली उसमें है, और मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। चाइल्ड अब्यूज़ सेकेंड टॉपिक है, चाइल्ड अब्यूज़। हम ये नहीं बोल रहे कि चाइल्ड अब्यूज़ बहुत, लेकिन पता नहीं चलता कई बार ये हो जाता है। 56% चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं, टोटल पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन उसके 56% चाइल्ड अब्यूज़ के शिकार हैं, जिसमें से 50% तो अपनी फैमिलीज़ के होता है, जो रिश्तेदार वगैरह उनके थ्रू जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है। चाइल्ड अब्यूज़ खाली हम लोग का ये नहीं होता कि सेक्सुअली ये चाइल्ड अब्यूज़ है या उसमें मेंटली, बाकी जो भी आप जो बातें बोल रहे हो उनसे सबसे ये चीज़ चाइल्ड अब्यूज़ के अंडर ही आती है। चाहे वो स्कूल्स की बात की जाए, चाहे घर की बात की जाए, ना हो चाहे उसको पे कमेंट्स करना हो या किसी भी तरीके का हो, वो चाइल्ड अब्यूज़ में आता है कि उसको किसी ना किसी तरीके से हैरेसमेंट कर रहे हैं उसको, फीमेल जेंडर लेके और चिल्ड्रन को लेकर और उसको लेकर, चाहे बॉयज भी हो गर्ल्स, चाहे दोनों में है। हम लोग की ये सोच भी बहुत खराब है कि गर्ल्स का ही हमेशा मोस्टली ऐसे केसेस आते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये 56% है, उसमें 20% बॉयज़ का भी है पॉपुलेशन, जिसमें बॉयज़ भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ गर्ल्स के साथ ही है, बॉयज़ भी उसके शिकार हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहला कदम तो ये उठाना है, हमें अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताना है। हमारे जो साथ, मैं खुद अपने स्कूल में पढ़ती हूँ, अभी मैं अपने स्कूल में भी खुद ये चाहती हूँ, बाकी जो स्कूल्स हैं उसमें भी चाहती हूँ मैं, कि मैं अपने भाई बहन को बताती हूँ कि ये गुड टच है, कोई ऐसा बोले तो ये करना। कभी ये नहीं बताना चाहिए अपने बच्चों को कि कोई बोले तो चुप रहो। क्यों चुप रहें? आपको वहीं चिल्लाना है नो, नो मीन्स नो। हमारा तो मेरा यही व्यू है और मेरा यही है कि जागरूक, मैं इस प्रकार जागरूक करूं, बच्चों को जागरूक करूं, उनके घर वालों को जागरूक करूं, घर वालों को भी जागरूक होना चाहिए कि हमारे बच्चे, कई बार होता है बच्चे खुद जाके बोलते हैं लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं वो तो आपने इग्नोर करते हैं कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये गलत बात है, आपका बच्चा कुछ बोल रहा है तो आप उसके साथ में बैठो, उसके साथ में पूछो कौन क्या बोला, क्या हुआ बेटा। तो मेरा सबसे पहला, मैं खुद ये करना चाहती हूँ, मैं अभी स्टार्ट किया है मैंने ये अपना काम, जैसे कि मैं अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग कॉलेजेस में जाके ये बताना चाहती हूँ गुड टच के बारे में और बैड टच के बारे में। ये एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में बच्चों को, इसे बहुत अच्छा होगा। दिव्यांशी, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आपने देखा और इसके दिशा में काम कर रही हैं। हमारा देश जब ही तरक्की कर सकेगा कि जब इस तरीके की असमानताएँ और इस तरीके के जो बैड बिहेवियर्स हैं उस पर रोक रखे, ताकि बच्चों का एक सही ढंग से डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। और क्या कहना चाहती हो आप दिव्यांशी? देशभक्ति के लिए आप सब भी सादर आमंत्रित हैं ये प्रोग्राम में, हम हिंदुस्तानी, व्हाट कैन वी डू फॉर आवर कंट्री। यहाँ पे ना ही जो हमारे गेस्ट रहेंगे वो व्यूज़ शेयर करेंगे, आप भी अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं यहाँ पे आके। हम आपके व्यूज़ देखने के लिए, आपके व्यूज़ लेने के लिए ही बैठे हैं, ताकि हम भी जान सकें कि आपका व्यू क्या है और बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। कुछ आप हमें दें, कुछ हम आपको दें। और लास्ट में दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी बस अपने देश के लिए, मोहब्बत के गीत तो तमाम हैं मगर ये शाम हमारे देश के नाम है, हमारे वतन के नाम है। जय हिंद, जय भारत।